खान नदी का गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा है और अभी आने वाले समय में कार्तिक और अन्य पर्व स्नान में श्रद्धालुओं को गंदे पानी का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पेश है सिटी चैनल की विशेष रिपोर्ट। वर्षा काल समाप्त हुए 2 महीने गुजरने को आए हैं पर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में खान का प्रदूषित जल मिलना बंद नहीं हुआ है। नदी जतन त्रिवेणी से आगे शिप्रा मेली है, जल दूषित है। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व स्नान है। कोरोना काल के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूर्णिमा पर भी लोगों को नहान के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलेगा। मालूम हो कि खान नदी इंदौर से निकले सिवरेज का स्वरूप है जिसका पानी उपचार के बाद शिप्रा में मिलता है। यह पानी उज्जैन में नहान क्षेत्र त्रिवेणी से सिद्धवट घाट तक न मिले इसके लिए शासन ने त्रिवेणी से पहले राघो पिपलिया गाँव में स्टॉप डैम बना रखा है। यहीं से सारा प्रदूषित पानी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए डाइवर्ट कर कालेदेव महल के आगे शिप्रा में जोड़ने का इंतजाम है। 90 करोड़ रुपए खर्च कर ये पाइपलाइन 4 साल पहले बिछाई गई थी। तब कहा गया था कि वर्षा काल को छोड़ शेष माह में खान का पानी शिप्रा के नहान क्षेत्र त्रिवेणी से सिद्धवट तक नहीं मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हर साल ग्रीष्मकाल शुरू होने तक ये पानी शिप्रा में मिलता रहा। कारण कभी इंदौर से पानी ज्यादा आना रहा तो कभी खान डायवर्जन लाइन लीकेज होना और यह सिलसिला अभी जारी है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी के अनुसार विभाग समय समय पर शिप्रा नदी के पानी के सैंपल लेता है और सैंपल रिपोर्ट के अनुसार पानी की क्वालिटी खराब है और यदि खान नदी का पानी मिलना बंद नहीं हुआ तो पानी में गंदगी का स्तर बढ़ जाएगा। शिप्रा एक्चुअली जो रिवर स्टेजेस के अंतर्गत शिप्रा रिवर को लिया गया है, चार नदियों को इसमें उज्जैन संभाग के अंतर्गत समाहित किया गया है, तो इनके जो रिवर स्टेजेस इसमें सीवेज या अन्य गंदगी ना मिल पाए इसके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाया जा रहा है 16 साल में जी, उसका करीब 80% काम पूरा हो चुका है और कुछ स्पेसिफाइड टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा। तो जो यहाँ का जो सीवेज वाटर है उसको उसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि दूषित जल शिप्रा नदी में प्रभावित ना हो सके। अभी इनकी जो पानी की जो क्वालिटी है वो कभी सी कैटेगरी में कभी डी कैटेगरी में आती है जी। तो कैटेगरी ए के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यह है ए कैटेगरी में पानी पीने योग्य ला सके। अभी शिप्रा में खान का गंदा पानी मिलने से रोका नहीं गया तो आगामी समय में पर्व स्नान साफ पानी में करना मुश्किल होगा। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट।